सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे मुहासे हो गए हैं और आप इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग करने के बाद भी आपके चेहरे के मुहासे खत्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिससे आपके चेहरे के मुहासे 7 दिनों में ही जड़ से चले जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इस नुस्खे से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी चंदन के पाउडर की और गुलाब जल की। ये है चंदन का पाउडर और ये है गुलाब जल। चलिए अब मैं आपको इसके बनाने की विधि बता देता हूँ। दोस्तों, आपको ले लेना है 1 चम्मच चंदन का पाउडर। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच चंदन का पाउडर ले रहा हूँ। ये आपको 1 चम्मच चंदन का पाउडर ले लेना है और इसमें आपको करीब 2 चम्मच गुलाब जल मिक्स कर लेना है। मैं इसमें 2 चम्मच गुलाब जल मिक्स करने जा रहा हूँ। ये हो गया 1 चम्मच। ये हो गया 2 चम्मच। आपको इसमें 2 चम्मच गुलाब जल मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरीके से मिला करके इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। आप इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिएगा। दोस्तों, जो चंदन का पाउडर होता है या चंदन होता है ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और गुलाब जल भी बहुत ही ठंडा होता है। तो दोनों के मिक्सचर से आप जो पेस्ट बनाएंगे और अगर आप इसको अपने चेहरे पे लगाते हैं मुहासे पे, तो आपके मुहासे को भी ठंडक मिलेगी और आपके मुहासे धीरे धीरे जड़ से चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये पेस्ट तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेस्ट अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं आपको इसका प्रयोग बता देता हूँ। दोस्तों, आपको इस पेस्ट को अपने मुहासों पर, अपने चेहरे के मुहासों पर लगा लेना है और लगाने के बाद 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर इसे लगा रहने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद आपको अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है और दोस्तों, आप देखेंगे कि आपके चेहरे के मुहासे काफ़ी हद तक दब जाएंगे और 7 दिनों तक अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे के मुहासे जड़ से चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस नुस्खे से रिलेटेड टिप के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपको चंदन का पाउडर, ये जो चंदन का पाउडर है ये आपको मार्केट में नहीं मिल पाता है किसी कारणवश, वैसे मिल जाएगा, अगर नहीं मिल पाता है तो आपको ले लेना है चंदन की लकड़ी। ये मैं चंदन की लकड़ी ये है, आप इसका प्रयोग पूजा घर में भी होता है हमारे, तो आपको चंदन की लकड़ी ले लेना है और इसे अच्छी तरीके से घिस करके करीब इसका 2 चम्मच पेस्ट निकाल लेना है। दोस्तों, आप इसे दियाली में रख लीजिए और दियाली में रखने के बाद जब इसका पानी सूख जाए तो आप इसमें गुलाब जल मिला करके बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको चंदन के पाउडर से ये नुस्खा बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही नए नए सौंदर्य बढ़ाने के घरेलू नुस्खे लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, कल मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।